तो गाइस इधर साइडों पे जो परिंदे बैठे होते हैं इवनिंग के टाइम जो है ना फोटोग्राफी कर रहे हैं, जो लोग कश्तियों पे मछली पकड़ने जाते हैं, ये है बंदरगाह फेमस कदमांस लाला की लाइफ। कुछ दूर से छोटी छोटी कश्तियां नजर आ रही हैं, लेकिन गाइस ये स्पोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। मस्कदमांस लाला में एज ए ड्राइवर की जॉब करता हूँ। मस्कदमांस लाला में आने वाले हैं, नहीं देखे कैसे बाहर आ रहा। लास्ट पे गाइस मैंने खुद कैमरा पकड़ के तो पिक्चर कैप्चर की, ठंडी हवा चल रही है, मैं इंशाल्लाह कामयाब होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होंगे। गाइस मैं आउटिंग पे जाने लगा था, तो मैंने सोचा यार क्यों ना एक प्यारी सी और छोटी सी वीडियो हो जाए, ताकि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर सकूं कि मस्कदमांस लाला की लाइफ। तो स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि मस्कदमांस लाला में आने वाले हैं या आने लगे हैं या आना चाह रहे हैं, तो वो भी इस व्यू का नज़ारा ले सकें। तो आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर कामयाब होऊंगा। तो चलिए चलते हैं, आपको जो है ना मस्कदमांस लाला के खूबसूरत और प्यारे व्यूज दिखाते हैं। तो गाइज ये आ गई हमारी गाड़ी, जो कि सारा दिन मैं ड्राइव करता हूँ, क्योंकि मैं मस्कदमांस लाला में एज ए ड्राइवर की जॉब करता हूँ। तो ये हम आ गए जी समंदर पे, जिधर लोग मछली वगैरह पकड़ते हैं। तो दिखाते हैं आपको शिप भी, ये उनकी गाड़ियाँ हैं जो कि मछली पकड़ने गए हुए हैं और गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं। तो गैस ये समंदर है सलाला में, जो कि लोग इधर मछली वगैरह पकड़ते हैं, तो इसका पानी देखे कैसे बाहर आ रहा। तो इधर लोग कश्तियों पे मछली पकड़ने जाते हैं, बड़ी कश्तियाँ भी हैं, ये देखें कि कितनी बड़ी कश्ती है। ओके, तो इधर छोटी भी हैं, बड़ी कश्तियों में भी लोग जाते हैं और छोटी कश्तियों में भी लोग मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। तो गाइस इधर साइडों पे जो परिंदे बैठे होते हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और अंदर से वो मछली पकड़ते हैं, वो देखे कि उसने मछली पकड़ी और चला गया। तो गाइस ये है फुल व्यू समंदर का, जिसमें आपको दूर से छोटी छोटी कश्तियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन गाइस ये बड़ी कश्तियाँ हैं, छोटी नहीं। तो गाइस ये है बंदरगाह, जिस पे सामान आता है दूसरी कंट्रियों से, शिप से सामान आता है। गाइस हमने सोचा थोड़ा सा हम भी बाहर घूम फिर लें, थोड़ा सा देखें कि बाहर का माहौल कैसा है, हवा कैसी है, समंदर कैसा है। तो गाइस ये देखें, ये सारी कश्तियां हैं, अगर कश्ती उनके पास ना हो तो वो इधर से भी लेके जा सकते हैं। ये देखे कि उन्होंने सारी कश्तियाँ जो है ना रेडी करके खड़ी की हुई हैं। तो गाइस अभी जो है ना सलाला का मौसम बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि अभी खरीफ का टाइम है, देखे कैसे फूल खिले हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है, खरीफ का टाइम है, बारिश भी होती है, ठंडी हवा भी चलती है। अभी सलाला का मौसम बहुत ही प्यारा और घूमने वाला मौसम है, देखे कि हर तरफ ग्रीन है। ये मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आप लोगों को जो है ना मेरी वीडियो पसंद आनी चाहिए। गाइस ये देख ले मगरिब का टाइम है, जो कि खूबसूरत लाइटिंग के साथ सलाला जो है ना जगमगा रहा है। तो गाइस रोड के साथ में भी जो है ना सब ग्रीन हो गया हुआ है और प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं, ये आप देख रहे हैं। और देखे कि गाड़ियाँ कैसे आ रही हैं, जा रही हैं, माशाल्लाह। तो गाइस आप देख रहे हैं, मैं और मेरा फ्रेंड जो है ना हम इवनिंग के टाइम जो है ना फोटोग्राफी कर रहे हैं, अपनी खुद की भी पिक्चरें ले रहे हैं और जो प्यारा सा व्यू है उसकी पिक्चरें भी ले रहे हैं। लास्ट पे गाइस मैंने खुद कैमरा पकड़ के तो पिक्चर कैप्चर की, क्योंकि भाई फोटोग्राफी कर रहा था तो उनकी फ़ोटोग्राफी थोड़ी मुझे पसंद नहीं थी आ रही, तो मैंने सोचा मैं खुद करता हूँ। तो मैंने सोचा कि अच्छी सी एक वीडियो होनी चाहिए, जो कि मेरे व्यूवर को मस्कदमांस लाला की लाइफ के बारे में पता चले। तो बात यह है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह कामयाब होऊंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह पाक आपको अपनी ज़ुबान में रखे। थैंक यू सो मच। ओके गाइस।